सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। ईरान भर में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत पर सोग। अमरीका से जनरल कासिम के कत्ल का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई। ईरान और खित्ते की आज़ाद कौमें जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेंगी। सदर हसन रूहानी। जनरल सुलेमानी के कत्ल पर ईरान का अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। ईरान अमेरिका के खिलाफ आलमी सतह पर कानूनी कार्रवाई के लिए इकदाम उठाएगा। ईरान वजीर खारिजा। जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमरीका ने बेवकूफ़ाना इकदाम उठाया है। ईरानी वजीर खारिजा। इसके साथ साथ ट्रंप जो हैं उनका कहना है कि अमरीका ने जो किया वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कई इंसानी जानें महफूज होती। कासिम सुलेमानी की सरबराही में ईरान में मुजाहिरीन पर वहशियाना जुल्म किया गया। इसी पर आज का हमारा प्रोग्राम और तजिया हासिल करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह खालिद फातमी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातमी साहब, किस तरह से आप ये कहेंगे जो ईरान भर में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की जो अमरीकी हमले में हलाकत पर सोग है, दूसरी तरफ अगर हम मशरक वस्ता में जंग के इम्कान पे बात करें तो वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, इस पर एक तो आप इनके कत्ल पर भी और दूसरी बात जो मैंने आपसे सवाल किया। देखिए, ये जो कत्ल है ये तो जाहिर है एक ऐसा वाकया है जिसको आप जिसके फेवर में या अगेंस्ट में कुछ भी कहें, इसके असरात तो बहुत दूरस्थ मुरतब होंगे। ठीक है। ख़ुद अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने काफ़ी सख्त एहतजाज किया है या काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार किया इस वाक़े के बाद कि इस तरह अमेरिका जो है इंटरनेशनल वॉर फील्ड में इन्वॉल्व फंसता जा रहा है। इसी तरह दो जो वहाँ के मुसलमान सेनेटर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सख्त कहा है इस हवाले से। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह मियाँ के खेल निराले होते हैं, इस वक्त क्या मकसूद है कि दूसरी जंग अजीम के तवील अरसे के बाद, यानी तकरीबन 1945 में ख़त्म हुई 55 और ये 20 साल हो गए, यानी 75 साल के बाद पूरी दुनिया में दोबारा राइटिस या मजहबी इंतहा पसंदों की हुकूमतें बार बार आ रही हैं, जिसमें पाकिस्तान में इमरान ख़ान, इंडिया में नरेंद्र मोदी, अभी लंदन इंग्लैंड में जो बॉल साहब जीते वो इलेक्शन, और अमेरिका में ट्रंप साहब। अच्छा, ये याद रखिए कि जब भी दुनिया में इस किस्म की हुकूमतें आती हैं तो इंतहा पसंदी और तशद्दुद खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि इनके यहाँ मुफामहत या अदर वो तस्वुर नहीं है दूसरों के लिए जो अपने लिए। ये तो एक अलग बहस है। अब रहा कि मशरक़ वस्ता पिछले 20-25-30 साल से जल रहा है, 9/11 के बाद से उनके यहाँ आफात का सिलसिला है। हमारे सामने देखते देखते इराक़ बर्बाद हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, लीबिया तो खैर अफ्रीकन कंट्री लेकिन बहरहाल मुस्लिम कंट्री है, शाम जिन हालात से गुजर रहा है वो हमारे सामने है, ईरान पे बेपनाह पाबंदियां हैं। अब ईरान के साथ अच्छा फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक बात समझने की है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम उम्मा मशरक़ वस्ता में या आपके मशरक़ वस्ता से बाहर एक ब्लॉक में नहीं आ पा रही है, जिसके नतीजे में एक ब्लॉक ईरान का बन गया और एक ब्लॉक सऊदी अरब का बन गया। ईरान का जो ब्लॉक है वो न्यूट्रल है और उसके साथ ज़्यादातर ताकतें यानी मलेशिया या टर्की या कतर इस तरह के लोग हैं, लेकिन सऊदी अरब का चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग OIC भी है, वो भी एक हवाले से है, और दूसरा ये है कि इस पूरे ब्लॉक ये पूरा ब्लॉक जो है हर लिहाज से इज़राइल और अमेरिका नवाज़ है, मसलहतन है, ज़रूरतन है, अपनी कमज़ोरियों की वजह से एक अलग बहस है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब चूंकि तेल से मालामाल हैं
تو اس لیے ان کی سنیں. اس میں جو سب سے خطرناک پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں, یہ تو ایک الگ بحث جو آپ نے پوچھا کہ جنگ, دیکھیے ایک چیز تو سمجھ لیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تیسری جنگ عظیم. تیسری جنگ عظیم تو خیر نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ کہ تیسری جنگ عظیم کنونشنل ہوگی نہیں, وہ جنگ بہت ڈفرینٹ ہوگی, سائبر وار ہوگی, جو ظاہر ہے ابھی ایشین کنٹریز افورڈ نہیں کر سکتے. تیسری جنگ عظیم کے لیے ہاں, لیکن تیسری جنگ عظیم اسی پرانے انداز میں جو دوسری جنگ عظیم لڑی گئی اسی انداز میں مشرق وسطیٰ اور مشرق کے ممالک میں ہوگی, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ چین بیٹھا ہوا ہے جو آخر وقت تک کوشش کرے گا کہ جنگ نہ ہو اس علاقے میں. اسی طرح روس ہے. ٹھیک ہے فاطمی صاحب, اب ہم ایران کے اوپر اگر بات کریں تو جس طرح سے وہاں پر جو قاسم سلیمانی کے امریکی حملے میں ہلاکت پر سوگ ہے, دوسری جانب امریکہ سے جنرل قاسم کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بقول یہ سب جو ہے ہوا ہے, تو آپ کے خیال میں جو ان جو یہ کہہ رہے ہیں, جو یہ اظہار کر رہے ہیں جن جذبات کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ان کے نہیں دیکھے ہوگا؟ دیکھیے ہے کیا, پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ جو کرتا ہے وہ بانگ دہل کرتا ہے, ظاہر طاقت کی بنیاد, یعنی اس نے کچھ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کر دینا چاہیے, بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس واقعے کے چند منٹوں کے اندر ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ پینٹاگون نے آفیشیل اعلان کیا کہ پریسیڈنٹ کے ڈائریکٹ آرڈر سے, جبکہ عموماً امریکہ میں بھی آپ دیکھیں ڈیموکریٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے جو بڑے معاملات اس میں کانگریس سے پہلے پرمیشن لی جاتی, انہوں نے نہیں لیا کیونکہ وہاں امریکہ کے صدر کے پاس پاورز ہوتے ہیں کہ بعض وقت وہ اپنے ویٹو استعمال کر لیتا اور اس کر دیتا, اس نے کر دیا. اچھا اب رہا ایران بدلہ لے گا, اچھا تو بدلہ کوئی جنگ سے تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ ایران کی کوئی پیرلل ابھی طاقت ایسی نہیں کہ وہ جنگ میں جا سکے. اچھا پھر اس کے ساتھ سامنے اسرائیل بیٹھا ہوا جو اس سے زیادہ کسی طور پہ اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم طاقتور نہیں. پھر اسرائیل کے ساتھ یہ سارے مسلم ممالک مل جائیں گے جو عرب کے ہیں, جو درون خانہ اندر ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں, تو ایسی صورت میں ایران جنگ تو نہیں کرے گا, لیکن ایران جو اب ایسے بھی آپ کو پتا ہے جو نیا عہد آیا ہے اس میں ہر ملک جنگ سے اوائڈ کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جنگ کے نتائج اب بہت خطرناک ہیں, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ چھیڑ چھاڑ سے کام چلایا کرے, یعنی جس کو ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے شب خون مارنا, یا اچانک حملہ کر دینا, یا لوٹ کے نکل جانا, یا لوٹ مار. تو اگر فرض کیجئے کہ ایران نے یہ کہا ہے تو ایران صرف یہ کر سکتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں یا جہاں جہاں امریکی امپورٹنٹ ایریے ہیں وہاں وہ اس طرح کے حملے کر کے, اور اس میں صرف ایران کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران ہر حملے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو طے ہے کہ امریکہ کو تھوڑا الرٹ ہونا پڑے گا, لیکن یہ قطع نظر ان تمام باتوں کے کیا دنیا متحمل ہے اس وقت وار کی یا نہیں, پوری دنیا کی کم و بیش اکانومی جو ہے خراب ہو رہی, پوری دنیا کی آبادی اپنی کیلکولیشن سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اور خاص طور پہ جو مسلم امہ ہیں, جو مسلم ممالک ہیں, ان کے ہاں غربت کی شرح کسی طور سے کم نہیں ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو اپنے طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے. سب ملک دیکھیں, بات یہ کہ سب کویت نہیں ہے, سب سعودی عرب نہیں ہے, سب قطر نہیں ہے, اس میں غریب ممالک بھی, یمن بھی بیٹھا ہوا ہے, دوسرے ممالک بھی بیٹھے ہیں جو غریب ہیں. تو اگر تو آپ ان چکروں میں لگ گئے تو آپ کی ساری دولت اسی آگ میں جھک جائے گی اور آپ ایک وقت کمزور ہو جائیں گے. جو ایران نے کہا ہے نا کہ امریکہ کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان جیسے کیا ہے جنرل سلیمانی کے قتل پر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کا اقدام ہے؟ نہیں, یہ صحیح ہے. دیکھیے اقوام متحدہ جانا چاہیے, یہ آلریڈی جنیوا میں انہوں نے کمپلین کیا ہوا ہے, کیونکہ ہے کیا بحث اس پہ نہیں ہے کہ ایران کیا کرے گا نہیں کرے گا, بحث یہ ہے, بلکہ بیشتر ممالک نے یہی کہا ہے کہ کوشش یہ کیا جائے کہ اس کو پراپر جو لیگل طریقہ ہے, یعنی دوسرے بھی طریقے اپنے, مطلب دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہم بدلہ لے لیں گے, کوشش کرنی چاہیے. ہاں مطلب اس کی وجہ یہ ہے, لیکن اس میں اگر آپ کبھی غور کریں تو پورا یورپ بھی کافی پریشان ہے, کیونکہ یورپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر تو دیکھیں یہ جو پورا یہ ایران اور عراق اور یہ جو علاقے ہیں یا اور سعودی عرب, ان کے جو پورٹ امپورٹنٹ ہیں وہ
وہ علاقے ایسے ہیں کہ اگر وہ ڈسٹرب ہوئے تو پورا زون تباہ ہو جائے گا. اس کا رسک چائنا بھی نہیں لے سکتا ہے. اس کا رسک چائنا بھی آخر وقت تک کوشش کرے گا کہ ایوائڈ کرے. اور جیسا کہ میں نے کہا نا کہ اب دیکھیے روس کی جانب سے تو باقاعدہ مذمت کی گئی ہے, چین نے کہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں. اچھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے, اچھا برطانیہ نے کہا ہے کشیدگی میں کمی لانے پہ زور دیا ہے, اچھا فرانس نے بہت اچھا بیان دیا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے دنیا مزید خطرناک ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح یو اے ای نے کہا کہ حکمت سے کام لینے پہ زور, فریقین تحمل سے کام لے سعودی عرب کر رہے ہیں, تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک اقدام ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے, تو اس میں دیکھنا, دیکھیے ہمیں کیا ہے, پوری کہتے ہیں نا کہ بھئی پوری دنیا میں آگ لگے لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی ہمارا جو رول ہے وہ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی کنٹروورسی میں نہ پھنسے, ہم کسی بھی دو بڑوں کی جنگ میں نہ. یہ دیکھیے دو بار ہم بہت بری طرح پھنس کے اپنا بہت کچھ کھو چکے ہیں, ایک ضیاء الحق کی حماقت سے جب ہم رشا وار میں, اور ایک پرویز مشرف کی حماقت سے جو 9/11 کنٹروورسی میں جانے سے گریز کرنا چاہیے. یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اسی بات کو. آپ دیکھتے رہیے پروگرام لائیو وتھ خالد فاطمی. جی ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. فاطمی صاحب, جس طرح سے ابھی بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی کہ پاکستان کو کسی بھی کنٹروورسی سے گریز کرنا چاہیے, نہیں اس میں جانا چاہیے, لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کا پھر کیا رول ہونا چاہیے, اس پر کیا کہیں گے؟ دوسری بات, پاکستان کا جو اب تک کا رول آپ نے دیکھا اس پر آپ تجزیہ دیجیے, اور کیا ہونا چاہیے, کیا رکھنا چاہیے؟ پاکستان کا رول ہمیشہ خراب رہا ہے. پاکستان کا رول ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے, ہمیشہ ویژن کے خلاف رہا ہے, ہمیشہ جلد بازی میں, اور ہمیشہ پیسے پکڑنے کے لیے. اس کی صرف دو ہی مثال میں نے آپ کو دی, جنرل ضیاء الحق کے زمانے جس کے آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور جس کو ہم نے دہشت گردی اپنے ملک میں لایا, اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں اور ہونے کی بھی تعریف کریں. عجیب و غریب المیہ ہمارا کہ خود ہی آگ لگاتے ہیں اور پھر بجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے تعریف کریں کہ ہم بجھا رہے ہیں. تو ایک حماقت وہ تھی, اور ایک دوسری جو پرویز مشرف صاحب نے 9/11 کے بعد کیا, وہ بھی صرف ڈالر کے چکر میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں آئسولیشن میں چلے جانا چاہیے, کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے, سائڈ لائن پہ ہو جانا چاہیے, بردباری سے کام لینا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کے حالات خراب ہیں, اور انڈیا کو بہانا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانے کا. اچھا اگر فرض کیجیے ایران سے بھی, اچھا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ واقعہ, اس کے ساتھ ہی ابو دھابی کے کرون پرنس آئے اور پیسے بھی دے کے گئے, تو یہ ساری باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے پارٹی بننے کے لیے, اور اس کے پیسے دیے جائیں گے. تو اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ بے وقوفی کی یا حرکت کی, کیونکہ جب پیسے آئیں گے تو سب بھول جاتے ہیں ہم لوگ, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دو کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے جو پیسنے کا ہوتا ہے, دو کے بیچ میں رگڑائی, ہاں دو چکی میں کے بیچ میں آ جائیں گے, جو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے جی, اس وقت ہمیں منور مرزا سینئر ماہر عالمی امور اس وقت تجزیہ نگار ہمیں جوائن کر رہے ہیں, انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم منور مرزا صاحب. وعلیکم السلام. جی کس طرح سے آپ یہ کہیں گے اس پر, جو ایران بھر میں کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں جو ہلاکت پر سوگ ہے, اور امریکہ سے جنرل قاسم کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی, اس بات پر بھی آپ سے تجزیہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ جیسے مشرق وسطی میں جنگ کے امکانات بڑھ رہے ہیں, منور مرزا صاحب اسے آپ کس طرح سے تجزیے میں آپ اظہار کریں گے اس کا؟ میرے خیال سے جنرل قاسم سلیمانی کے کردار کے اوپر تو کافی آپ نے پڑھ لیا ہوگا, بہت سارے تبصرے بھی آ رہے ہیں اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے سیکنڈ موسٹ پاورفل آدمی تھے, اور آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے, ان کو براہ راست جواب دے تھے. القدس فورس کی آپ کو پتا ہے کہ
वो एक्चुअली जो मिडिल ईस्ट में जो ईरान की एक जारहाना की फॉरेन पॉलिसी है उसको वो सुपरवाइज भी करते थे। उन्होंने इस बात का भी बार बार एतराफ किया कि मैं ही इस पॉलिसी को लुक आफ्टर करता हूं और इसका इजहार वो कई मरतबा कर चुके थे। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि जो उनकी हलाकत हुई है बगदाद के एयरपोर्ट पे जब वो बाहर निकल रहे थे तो उसके क्या असरात जो हैं वो पड़ सकते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि सबसे ज्यादा जो बात आ रही है सामने मीडिया में खासतौर पर बहुत ज्यादा माहिरीन इसके ऊपर जो तस्वीर कर रहे हैं वो ये है कि क्या कोई आलमी जंग या कोई बड़ी जंग जो है वो इसके नतीजे में हो जाएगी। खास तौर पे अगर आप देखें तो ईरान ने बड़ा शदीद और बड़ा सख्त मौका अपनाया और जाहिर है कि उन्हें अपनाना भी चाहिए था क्योंकि एक तो वो सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी थे ईरान के, सेकेंडली ये कि आयतुल्ला खामेनाई ने के बराह रास्त वो मुतमिद थे, फिर वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को लुकाकर कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, बल्कि आपको मैं ये कहूंगा कि ये जनूबी एशिया के कोने तक भी जो पॉलिसियां जा रही थी उसमें भी उनका बड़ा दखल ना देते। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जब सरहदी तनाजात हुए थे तो जनरल कासिम सुलेमानी का उसमें भी एक किरदार था, तो बल्कि उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे जो बाद में फिर वो दोस्ती और नरमी जी। जिस तरह से आपने ये कहा कि ये जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने जो मौकफ इख्तियार किया और ये कहा ईरान का बेसिकली एक मौकफ है कि हम कत्ल का बदला लिया जाएगा, दूसरी जानब अगर हम ट्रंप जो है उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो भी किया वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि कई इंसानी जानें महफूज हो जाती जब, तो आप इनके इस मौकफ को किस तरह देखते हैं ये ट्रंप जो फरमा रहे हैं? मैं असल में पहले ये इस बात को ये देख लूं कि क्या उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मौकफ उनका आप सदर अमेरिका का ले तो उनका ये कहना, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो अल्फाज शुरू में इस्तेमाल किए थे उनका ये कहना था कि हमने ये जो कार्रवाई की है इसका मकसद जंग करना नहीं है बल्कि जंग को रुकवाना है। आपको मालूम है कि कासिम सुलेमानी कोई छुपी बात ढकी छुपी बात नहीं है कि जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो थे वो बिल्कुल अपना नंबर वन दुश्मन गिरदाते थे, इसलिए कि ज्यादातर जो अमेरिका की पॉलिसियों की जो नाकामी थी उसके अंदर जनरल कासिम सुलेमानी का बड़ा हाथ था, वो सरवाइव करते थे। मैंने आपको बताया वो ईरान के मफादात को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करते थे, तो यकीनी बात है कि अमेरिका उनको अपना दुश्मन नंबर वन समझता था जी। तो लेकिन अब देखना यह है कि ईरान जो है उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इसका बदला लेंगे, तो अब इसके बदले की क्या सूरत हाल हो सकती है ये हमारे जहन में बड़ी क्लियर रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ सरहद रखता है, उनका करीबी दोस्त भी है और वो चाहता है कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं उसमें कोई दरार। ठीक है, आपने पाकिस्तान की बात की मुनव्वर मिर्जा साहब, तो आपसे ये सवाल था कि जैसे पाकिस्तान का फिर आप क्या समझते हैं आगे क्या रोल होगा, या यूं पूछा जाए कि पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना चाहिए, तो आप इस पर भी बात कीजिए जरा। मैं पहले आपको जरा बता दूं कि ईरान आखिरकार अगर कोई जंगी कार्रवाई करने जाएगा तो उसके क्या दो या तीन ऑल्टरनेटिव जी 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 बताइए। देखिए कोई बराह रास्त ईरान अमेरिका पे हमला तो नहीं कर सकता ना करने के लिए जाएगा, तो 5.5 लाख के करीब फौज है ईरान की जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा जो है ये पासदारान इंकलाब हैं जो कि एक्चुअली ईरान के इंकलाब हिफाजत करते हैं और ये खुद आयतुल्ला खुमैनी साहब ने कायम की थी और जिसे मैं जैसे के और इसमें इसी का एक हिस्सा जो है वो ये भी है जो कुछ अलकुछ जो फौज है। तो जो कर सकता है ईरान वो ये कर सकता है कि जो अमरीकी तकरीबन 40-50 हजार के करीब फौजी जो है वो तैनात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अमरीका के, तो एक तो ये हो सकता है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और वही तरीकाकार अपनाए जो कि जनरल कासिम सुलेमानी ने भी अपनाया हुआ था, तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से कि ऑयल दुनिया का गुजरता है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए या उसके ऊपर कोई वो कर दी जाए, तो ये इसके ऊपर ये करना जो है ना ये तो बड़ा ही खतरनाक होगा, इसलिए कि इसमें सिर्फ ईरान का मफाद या अरबों का मफाद का मसला नहीं है, ये तेल जो है ये तो दुनिया भर को जाता है,
तो ईरान में बहुत समझदार लोग मौजूद हैं, हसन रूहानी साहब भी मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, और सियासी तौर पर बड़ा बालिग है ईरान, तो वो इस किस्म की कोई कदम नहीं उठाएगा जो कि स्ट्रेट डायरेक्टली उसे कंसल्टेशन के ऊपर ले आए। अब जो वो ये इकदाम अगर ईरान करता है तो इसमें कशीदगी में बहुत इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ये रही है कि अमरीका से उसके जो बहुत ही सर्द किस्म के ताल्लुक थे वो बेहतर होने शुरू हुए, खास तौर पे जो ट्रंप साहब ने कश्मीर के मामले में वो जो सालिसी का बात उनको कही थी हमारे वजीर आजम इमरान साहब को, उसके बाद से अचानक जो डोनाल्ड ट्रंप का इमेज था, अमेरिका का इमेज था, वो पाकिस्तान में बेहतर होना शुरू हुआ। और उसके बाद आपने देखा होगा आज भी वो आया है कि जो मिलिट्री तावन है वो जो है उसको बहाल कर दिया गया, उससे पहले कुछ और चीजें भी बहाल कर दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब ममालिक हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। आपको मालूम है कि जो कर्जा वगैरह लिया, फिर ये कि पाकिस्तान के 40 लाख के करीब अफराद जो हैं वहाँ रोजगार भी करते हैं, तो लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी एक और बात अहम जो है वो ये है कि ईरान हमारा पड़ोसी है और ईरान ने हमारा बहुत साथ दिया है। अभी कश्मीर के मसले के ऊपर भी बार बार सदर हसन रूहानी आए और जवाद जरीफ ने भी बार बार ये कहा कि हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं और जो हमारा असर रसूख है इंडिया के अंदर उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान कभी किसी सूरत में नहीं चाहेगा और ना चाहना चाहिए ये कि वो ईरान के खिलाफ जाए। तो जो पाकिस्तान को काम करना चाहिए उसे ये है कि जो उसने अभी फिलहाल जो उसने जो पॉलिसी रखी हुई है उसे किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव किस्म का पोस्चर भी इख्तियार नहीं करें। और पाकिस्तान को कोई कह भी नहीं रहा है कि आप एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार करें। और आपने देखा कि चीन और रूस ने भी जो अपना मौका इख्तियार किया है वो ये है कि दोनों फरीकैन को यानी अमरीका और ईरान को उन्होंने कहा है कि तहमुल से काम लें, यही बात उसने कही है, सारे यूरोपीय ममालिक ने और यूरोपीय यूनियन ने कही है। तो पाकिस्तान को भी असल में एक्चुअली जो रोल प्ले करना चाहिए वो यही करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में बहुत गम गुस्सा है, वो कासिम सुलेमानी थे ईरानी आवाम के लिए एक हीरो का दर्जा रखते थे, तो लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल ईरान के लिए भी आपको पता है कि सूरत हाल इतनी बहुत अच्छी नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है उन पाबंदियों की वजह से जो कि अमरीका ने उनके ऊपर लगाई हुई है। तो बात फिर वहीं आके ठहर जाती है कि बहरहाल तहम्मुल सब्र और अमन का कयाम जी फातमी साहब आपसे पूछना चाहेंगे। जी जी मुनव्वर मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, फातमी अर्ज कर रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा आपने कहा कि भाई पाकिस्तान को तहम्मुल से काम, मसला ये है कि पाकिस्तान तहम्मुल ही से तो काम नहीं लेता है। हमारे पास दो मिसालें मौजूद हैं अफगान वॉर की और 9/11 की, जिसमें हम बुरी तरह न सिर्फ ये कि डूबे बल्कि उसकी उसका खुमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। ये बात तय है कि अगर ये जंग बढ़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ईरान कोई अमरीका के खिलाफ तो नहीं करेगा जंग, लेकिन सवाल ये कि उसका गुस्सा कहीं तो उतरेगा, वो उतरेगा कहाँ? मिडिल ईस्ट में उतरेगा, अरब पे उतरेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट सऊदी अरब वर्सेस ईरान है, ये प्रॉक्सी में हो या डायरेक्ट हो, बढ़ेगी। अच्छा तो जब ये बढ़ेगी या इसराइल ज़ाहिर सपोर्ट करेगा सऊदी को और इस बेल्ट को, तो उसके बाद जो पाकिस्तान से कहा जाएगा तो पाकिस्तान किधर? अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल खुल के सऊदी अरब से ये कहे कि जी हम ईरान के साथ नहीं देंगे या साथ दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में न पहले कभी था न आज है और न मेरा ख्याल कभी रहेगा कि इंडिपेंडेंट कुछ कह सके। तो सवाल ये है कि ये वॉर मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि तीसरी जंग अजीम भी नहीं होगी क्योंकि वो ज़माना है नहीं साइबर वॉर का इस जोन में। दूसरी बात ये है कि ये जंग इसी तरह होगी जैसे लीबिया या शाम या अपने हो रही है इस इराक में, तो उसमें हमारा रोल कैसे न्यूट्रल होगा? अभी आपने खुद ही कहा कि अमेरिका ने आज ही एक अच्छी खबर दे दी पाकिस्तान को, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। कल अबू धाबी के शहजादे भी आके कोई एक थैली वैली थमा के गए हैं वजीर आजम को, तो आप कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा? देखिए मैं एक और बात भी आपसे वादा करते चलूँ कि ईरान के पास भी खासी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना असर रसूख अमली शक्ल के अंदर भी या किसी न किसी शक्ल के अंदर वादे कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं जी। और ईरान पहले भी ये करता रहा है और इसके उसके असरात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये कहना कि अरबों के असरात ज्यादा हैं और ईरान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बेबस है, तो ये गलत होगा। जो पाकिस्तान जो काम कर सकता है वो यही है
कि कोई इस किस्म की वॉर तो होने जा नहीं रही, जैसे कि आपने खुद अभी बता दिया कि यानी बराह रास्त कोई बैटल फील्ड होगा जिसके अंदर कोई मुकाबला जारी होगा, जैसे कि सद्दाम हुसैन के साथ ईरान इराक वॉर हुई थी 10 साल, या ये कि उसके बाद जो 2-3 जगह हुई हैं वहाँ पे, उस टाइप की तो कोई जंग होगी नहीं। अगर होगी तो कोई कवर्ट ऑपरेशन टाइप की चीज होगी जिसके अंदर ईरान खुद ही यानी कार्रवाई करेगा और अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसे अमरीकी मफादात मौजूद नहीं है जिनको के बराह रास्त ईरान को टारगेट करना पड़े, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान ईरान के किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता। जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपने देखा कि जब सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला हुआ था और 50% से ज्यादा तेल रुक गया था, तो आपने देखा वहां पर भी डिप्लोमेसी ने बेहतर रोल प्ले किया। चीन, रूस, यूरोपियन ममालिक वगैरह ने सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को काम डाउन किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये कहा था कि हम तो हमारी फौजी हाजिर हैं, अगर आप चाहें तो रिटेलिएट करें, लेकिन सऊदी अरेबिया ने 3 दिन तक तो इस मामले के अंदर कोई बयान ही नहीं दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ इसी किस्म की सूरत हाल होगी, कुछ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन क्या फौरी तौर पे ईरान बदलाव लेने का उन्होंने कहा है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि कल ही लेंगे या परसों ले लेंगे या 1 महीने के अंदर अंदर ले लेंगे, ये तो एक बात नहीं। मनोहर साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा, आपकी बात बिल्कुल मेरी समझ में आ गई, लेकिन अगर ये जोन डिस्टर्ब हुआ, यानी चलिए लड़ाई न भी हुई होगी भी नहीं, लेकिन डिस्टर्ब तो होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे शाम डिस्टर्ब है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इराक डिस्टर्ब है, बिल्कुल इसी तरह जैसे लीबिया डिस्टर्ब है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सेमी डिस्टर्ब मिस्र है इस वक्त। तो सवाल ये, अच्छा इंडिया ऑलरेडी आपने देखा जो तबाही मची हुई है वहाँ नरेंद्र मोदी की हमाकतों की वजह से, वो एक अलग है। तो अच्छा, चीन को हर हाल में ये जोन साफ चाहिए, पुरअमन चाहिए, तो चीन के लिए भी लम्हे फिक्रिया है कि अगर ये पूरा जोन अफेक्टेड होता है तो उसकी बहुत सारी जो प्लानिंग है फ्यूचर की वो डिस्टर्ब होगी। अगर दूसरे ईरान डिस्टर्ब होता है तो उसके असरात बलूचिस्तान में हर हाल में आएंगे और ग्वादर तक भी पहुंच जाएंगे उसके असरात। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इस वक्त पाकिस्तान में आप ऐसी मुदब्बराना सियासतदानों को देखते हैं? मैं नहीं देखता हूँ, माजरत के साथ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि हमारे यहाँ किसी सियासतदान में ये फहम है। ये तो आपस में जो पुरानी सौतने होती थी उसी में लड़ने में लगे हुए हैं घर के अंदर। तो क्या आपके पास कोई ऐसी प्लस ये कि पैसा हमारी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि जब भी कहीं से डॉलर नज़र आता है तो हमारे राल बहने लगते, तो क्या हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। आपने कहा कि डॉलर हमारी कमजोरी है, मैं तो इस वक्त आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, डॉलर हमारी इस वक्त मजबूरी है। चलिए, तो ये हमारी फिलहाल तो मजबूरी भी है। अब पाकिस्तान को जो रोल प्ले करना चाहिए वो बड़ा सिंपल सा है। पाकिस्तान एक बात कहता है और उसकी एक ब्रॉड वसी सर पॉलिसी रही है मुस्लिम कंट्रीज के बारे में, वो ये रही है कि वो कहता है कि तमाम जो बिरादर मुल्क हैं उनके किसी भी टकराव के अंदर वो शरीक नहीं होगा और उसकी ख्वाहिश ये होगी। एक मिनट, मैं फिर इंटरप्ट करूंगा आपको। आपने अभी कहा ये कहता है, लेकिन अमर मलेशिया क्यों नहीं गए पाकिस्तानी, दबाव में आए ना? बिल्कुल, देखिए ये तो वादे तो है। वैसे मैं एक आपसे, अगर आप मलेशिया की बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे महाते मोहम्मद साहब से शिकायत है, उन्हें चाहिए था कि वो किसी ना किसी शक्ल के अंदर OIC के प्लेटफॉर्म को जरूर इन्वॉल्व करते ताकि यानी अगर वो ये चाहते थे कि वसी कर मुस्लिम कंट्रीज हैं उसके अंदर शामिल हो, तो आखिरकार वो क्यों नहीं उन्होंने सऊदी अरेबिया वगैरह को या पाकिस्तान को पहले से क्यों नहीं कहा कि उन्हें अच्छी तरह अप्रोच करें? तो मैं समझता हूँ यहाँ पर महातिर मोहम्मद साहब की कुछ कमजोरियां थी, उसमें खामखा उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, चाहे पाकिस्तान की क्या नहीं। मनोहर साहब एक मिनट सुन लीजिए, महातीर ने नहीं पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उनको इन्वॉल्व किया। जनरल असेंबली में इमरान खान साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप कुछ करें, उन्होंने नहीं किया, हमारे तो कहने पे उन्होंने। देखिए जब तक कि आप ब्रॉड कंसेंसस के अंदर मुस्लिम मुल्कों को सारे, अगर आप कोई इस किस्म का प्लेटफॉर्म के ऊपर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और मुसलमानों के मसाइल के और मुस्लिम ममालिक के मसाइल पर गौर कर रहे हैं, तो ये लाजमी है कि आप फिर एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें इस बात से कतर नजर के किन ममालिक के अंदर। देखिए इख्तलाफात तो सिर्फ अरबों के अंदर इख्तलाफात है, ये आपने क्या ईरान और अरब
एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्या आपके ख्याल में अरबों में खुद कॉन्फ्लिक्ट नहीं चली आ रही है? ये उन ममालिक के अंदर भी आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसी तरह टर्की और अरब ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हैं, लेकिन जिस वक्त के आप एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस करने के लिए जाते हैं तो आप इन जो कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर देते हो। तो यहाँ भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि जो अगर पाकिस्तान के मफाद के अंदर है कि वो सऊदी अरेबिया से वो इमदाद हासिल करे और यूएई से इमदाद हासिल करे या अरबों से इमदाद हासिल करे, तो वो तो इस पाकिस्तान को जरूर हासिल कर लेनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की मफाद में है। लेकिन उसे इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। इस्तेमाल बेहद शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहिर आलमी उमूर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी। नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। फ़ाफ़िज़ साहब, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहिर आलमी उमूर से आपकी गुफ्तगू हो रही थी, कितना इत्तेफाक उन्होंने किया? नहीं ले जा रहे वो तो देखिए है क्या, मैंने आपसे कहा नहीं कि हम इस वक्त इस सदी के यानी दूसरे ऐसे 2020 है ना, ये ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रहे हैं और कुछ तो मामला ऐसा लगता है कि नेचर का भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आने वाली है। अच्छा, एक तो खैर मजहबी लिहाज से हम कभी कहते हैं एक आम सा जुमला कहते हैं क़ुर्ब क़यामत की निशानी है, ये भी कहते हैं। अजय ग़ज़वे हिंद की भी बेशुमार रेफरेंसेज आ रहे हैं। मुझे महसूस ये हो रहा है कि कुछ मामलात जो वरना देखिए ना, दूसरी जंग अजीम में 5.5-6 करोड़ लोग हलाक हुए और तकरीबन 1.5 करोड़ इजाफी जो आफ्टर इफेक्ट से 7.5 करोड़ की आबादी के जाने के बाद जनरल ख्याल ये था कि दुनिया में लोग अब जंग से भागेंगे, अमन की तरफ जाएंगे। लेकिन आप देखिए देखते देखते एटमी ताकतें भी बढ़ती चली गई, हम भी हैं, इंडिया भी है। इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिन इलाकों में जंग हुई थी वो तो तायब हुए यानी यूरोप, लेकिन एशिया जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसको भी शौक हो रहा है कि यार हम भी मतलब देखें क्या करते थे उधर, वो लोग गोरे क्या करते थे हम भी करें। तो ये जो एक तब्दीली आई है, प्लस जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा कि मेरी समझ से बाहर है, ये बिल्कुल नेचर का इसमें इंसानी कोई नहीं है कि एक ही वक्त में हर जगह एक्सट्रीमिस्ट लोग आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी है। इमरान खान साहब को मैं कभी भी एक नॉर्मल नहीं समझता बल्कि एक इंतहा पसंद आदमी, इसी तरह नरेंद्र मोदी, इसी तरह बोरिस है, इसी तरह ट्रंप साहब है। तो ये क्या है, क्या अल्लाह का निज़ाम है क्या? मिडिल ईस्ट में जाहिर है अगर आग लगती है तो भले वो आग न फैले लेकिन उसकी जो हरारत और गर्मी है वही बड़े इलाकों को जला के खाक कर देगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आग लगी जाए। और इसमें ख़ास तौर पे जो ईरान और सऊदी का कॉन्फ्लिक्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और हो सकता है बहुत सा, चूँकि हम देखिए इसमें हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो तमाम लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वो किसी न किसी हवाले से मुतासिर होते हैं, या तो मजहबी तौर से या अखलाकी तौर से या समाजी तौर से या सकाफती। तो नतीजा ये है कि तजिया न्यूट्रल होकर नहीं देते, यानी हम न्यूट्रल तजिए के लिए आपको अपने प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ता है, जब तो आप आके बैलेंस दे। तो अब ये कि बेशुमार लोग हैं जो बिल्कुल सऊदी अरब के फेवर में दे रहे हैं, बेशुमार लोग हैं जो ईरान के, यानी ऐसे कम लोग मिलेंगे जो बीच में खड़े होकर कहे कि अगर हम बात करें ये अमरीका ईरान की जगह, ये अरब ईरान जंग में होने ही यही है भाई। अमेरिका थोड़ी रहेगा, अमेरिका थोड़ी आके लड़ेगा ना, उसके पास वक्त है, वो तो पैसे दे देगा, उनको भी दे देगा, इनको भी दे देगा, खत्म बात। तो मैं यही कह रहा हूं कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे उनका कुछ नहीं जाना है। ये अब हमारा कमाल है कि हम जो मुस्लिम उम्मा है वो कैसे इस बात पर तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले कि आपस की जंग से कम यानी ये ज़रूर तय करे, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हो, ईरानियन हो, मलेशियन हो, इंडोनेशियन हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, कम से कम एक जनरल आउटलाइन बना ले कि भाई हम एक दूसरे को किसी भी हाल में किसी भी वर्गलाने से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, फिर मैं कहूँगा
کہ ہمارے جو مسلم امہ کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ڈی اور ای گریڈ کی ہے، یعنی پوری مسلم امہ اس میں سب شامل ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ٹرکی ملیشیا کو آپ اے گریڈ میں، نہیں اے گریڈ میں کوئی نہیں ہے، یعنی قدیاور ایسے لیڈر نہیں ہیں جن کی ہم نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے پہلے سے، جو دنیا کے نقشے بدل دیا کرتے ہیں، جو دنیا کی پوری اخلاقی تہذیب بدل دیتے، ایسا نہیں ہے. اچھا تو سوال یہ ہے کہ جب بی سی ای گریڈ کے لیڈرز ہیں تو ان کا فہم بھی وہیں تک ہے جہاں تک ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان حالات میں، چونکہ سبھی یعنی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہمارے آپ اور ہم یہیں پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ہماری اپنی اخلاقی قدریں اس تیزی سے نیچے گر رہی ہیں جس کا آپ تصور نہیں. اچھا اور کبھی بھی آپ یقین کریں کہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی وائڈ کینوس دیکھنے کے لیے، آپ ایک کا جو آج ہی کا واقعہ ہے کہ کسی شہر میں، شاید ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر جرمنی سے آیا ہو، کھانس دیا تو انہوں نے پاسپورٹ لے کے پھاڑ کے اس کے منہ پہ مار دیا. امیجن کریں. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کا چھوٹا ورژن ہے، پی ٹی آئی کا چھوٹا ورژن ہے، یعنی گالم گلوج مار دھاڑ. تو یہ جب ہماری اخلاقی قدریں اس طرح گرتی جا رہی ہیں تو باقی ملکوں کی بھی اسی طرح ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو یاد ہوگا میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ انقلاب صرف اخلاقی آتا ہے، وہ اخلاقی انقلاب جو ہے خود بخود ثقافتی، سیاسی اور سماجی بن جاتا ہے جس سے قومیں اچھی بنتی ہیں. آپ کے ہاں وہ انقلاب آنا تو بہت دور کی بات ہے، جائے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو مسلم امہ ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ایک زمانے بومدین تھا، ایک زمانے شاہ فیصل تھے. شاہ فیصل بہت بڑا لیڈر تھا جو سعودی عرب کا تھا لیڈر، لیکن وہ چاہتا تھا مسلم امہ کو، بٹ قذافی تھا. آپ کو پتا بھٹو صاحب کے زمانے میں جب کانفرنس تھی سارے مسلمان آ گئے بلا امتیاز ایک دوسرے کے جھگڑے کے، انہوں نے کہا نہیں یار مسلمانوں پہ، پاکستان پہ برا وقت. اب نہیں، آپ ایک جگہ نہیں، آپ ذرا سا ایک جگہ کرے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ٹکر میں، آئی سی کے ٹکر میں ملیشیا میں ہو گیا، تو یہیں سے آپ ٹوٹ گئے. تو ان حالات میں ایون عرب میں آپ دیکھ لیجیے قطر سے، صرف اس لیے کہ ایل این جی نکل آئی ہے، سعودی عرب اس کو کسی طور سے تسلیم نہیں کر رہا اور دونوں میں روزانہ کے اختلافات چل رہے ہیں. یعنی میں عرب عجم کی بھی بات نہیں کر رہا، عرب عرب ہی کی بات کر رہا ہوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اچھا پلس کسی بھی عرب ملک نے، کسی بھی، میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اربوں خربوں روپے کی پٹرول کی دولت کے باوجود ملک کی تعمیر پہ، تعمیر سے میری مراد محل بنانا نہیں ہے، ذہنی تعمیر ہے، یونیورسٹی، محل تو بہت بنا دیا انہوں نے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے دنیا کے عہد جدید کے تقاضوں پہ تقریر. تو جیسے ہمارے ہاں بھی بڑا بڑا بھاشن ہوتا ہے کہ اسلام کیسے ہوتا ہے اور فائدہ کیا ہوگا اور حدیث کیا ہے اور پیشن گوئیاں، وہ سب موجود ہے، لیکن ان پریکٹس کہ ہم دنیا کا مقابلہ کھڑے ہو کے کیسے کریں، ہمارے پاس لوگ نہیں موجود. کیا کر سکتے ہیں بتائیے آپ. ٹھیک ہے جی. فاطمی صاحب آج کے لیے اتنا ہی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ناظرین کی، جب تک آپ سب نہ رکھیے گا بہت سا خیال. روبین علوی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.